सो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में भाई बहुत अच्छा प्यार दिया आप लोगों ने, कमेंट करने के लिए बोला भाई, ठूस ठूस के कमेंट किए भाई, बहुत ही अच्छा लगा। आज बात करेंगे OnePlus Note 2 के बारे में। ये स्मार्टफोन दोस्तों इंडिया में बहुत जल्दी आने वाला है। अगर आप सोच रहे हो भाई OnePlus का एक स्मार्टफोन लगे, जैसे कि दो स्मार्टफोन अभी तो फिलहाल है, OnePlus Note 2 और OnePlus Note C जो 5G फोन था, ये दोनों स्मार्टफोन भाई काफ़ी अच्छा है। बट डिटेल्स की बात करें और प्राइस वैल्यू की बात करें, OnePlus Note 2 दोस्तों आगे निकल के आ जाता है। तो पूरा जानकारी देंगे दोस्तों, इसका कब लॉन्च हुआ, क्या इसका डिटेल्स, और भाई इसका स्पेस जबरदस्त है, लाजवाब है, तो ओ भाई बहुत बढ़िया है एक बात में अगर बोले। ठीक है, तो इस स्मार्टफोन के बारे में पूरा जानकारी देंगे। और एक ही रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर ना दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी। OnePlus Note 2 दोस्तों इसका डिटेल्स कल ही निकल के आ गया दोस्तों, इसके बारे में पूरा जानकारी देंगे, इस स्मार्टफोन में क्या क्या है और इसका लॉन्चिंग डेट के बारे में। शायद दोस्तों 9 जुलाई को दोस्तों लॉन्च हो सकता है इंडिया में। दोस्तों आपको बताएंगे OnePlus Note 2 दोस्तों अच्छा होगा या OnePlus Note C दोस्तों कौन सा अच्छा होगा, आपके बारे में पूरा जानकारी देंगे। तो सबसे पहले OnePlus Note 2 के बारे में पूरा जानकारी दे दें आपको। OnePlus Note 2 में दोस्तों बड़ा डिस्प्ले दे के रखा है दोस्तों, इसमें 6.43 इंच का दोस्तों इसमें AMOLED डिस्प्ले मिलता है। ठीक है, AMOLED डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, और बहुत बढ़िया डिस्प्ले है, और इसमें दोस्तों 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी वगैरह मिलता है। और इसके साथ जैसे लुक, जो OnePlus का लुक होता है भाई, मतलब कंपनी का लोगो वगैरह पीछे तो लगा हुआ है, और भाई लुक जबरदस्त है, प्रीमियम लुक देगा दोस्तों, एक नेक्स्ट लेवल का लुक इसमें देता है। OnePlus भाई OnePlus ही होता है। ठीक है, एंड्रॉइड की दुनिया में भाई खास एक स्मार्टफोन होता है दोस्तों। जैसे कि OnePlus में एक खास चीज होता है, जैसे ऑक्सीजन OS दोस्तों इस सपोर्ट में भी आपको मिल जाता है, और दोस्तों इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और 3.5 का ऑडियो जैक भी मिल जाता है, और USB टाइप सी पोर्ट भी आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं स्मार्टफोन में। जैसे कि दोस्तों OnePlus Note 2 में दोस्तों इसमें आपको मिलेगा Dimensity 1200 SoC प्रोसेसर। अंडर 30,000 में स्मार्टफोन लॉन्च होगा भाई, 100% यही बात है, अंडर 30,000 में स्मार्टफोन लॉन्च होगा, शायद 30,000 में ही लॉन्च हो सकता है। और अगर 30,000 में लॉन्च होगा, Dimensity 1200 SoC प्रोसेसर दे रहा है तो काफ़ी अच्छा है भाई। बैटरी में भी काम किया है, कैमरा भी काम किया है भाई, प्रोसेसर में भी अच्छा काम किया है। तो अगर कंपेयर करें OnePlus Note C के, वो भाई बहुत चीप दिया था, कैमरा में रियर में तो एक चीज़ में भाई अच्छा काम किया था, तो एक चीज़ नहीं दो चीज़ में अच्छा काम किया था। और रियर में 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा था, वो थोड़ा ठीक था, और दोस्तों उसका बैटरी सपोर्ट जो 4500 mAh का था इसमें भी है, वो थोड़ा ठीक था, और नहीं तो उतना खास कुछ नहीं है वो स्मार्टफोन में। और इस स्मार्टफोन की बात करें दोस्तों, प्रोसेसर तो अच्छा ही है, 4500 का मिल ही जाता है, इसमें तो चार्जिंग सपोर्ट काफ़ी बढ़िया देके रखा है, 33 और 65 वाट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट स्मार्टफोन में आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, और कैमरे की बात करें दोस्तों, कैमरा में रियर में थोड़ा कम देके रखा है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा, क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है भाई साहब, मैं पहले आपको बता दूँ कि क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा इसमें मिलता है, 8 मेगापिक्सल का और एक सेंसर आपको, और 2 मेगापिक्सल और एक सेंसर, मतलब पूरे डिटेल्स बताएंगे कि भाई कौन सा लेंस क्या होगा, शायद हो सकता है दोस्तों 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का दोस्तों टेलीफोटो या डेप्थ हो सकता है। और फ्रंट की बात करें, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और उसमें था OnePlus Note C में था दोस्तों 16 मेगापिक्सल का था, इसमें दोस्तों काफ़ी इंप्रूव किया, 32 भाई बहुत बढ़िया होगा OnePlus का, मुझे लगता है भाई साहब। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कैमरा में कैसा लगता है आपको OnePlus, अच्छा काम किया कि नहीं कमेंट करो यार। इस स्मार्टफोन दोस्तों शायद आपको एक ही वेरिएंट में मिल सकता है 8GB 256GB स्टोरेज में। ठीक है, और इसका प्राइस दोस्तों अंडर 30,000 में लॉन्च होगा, मैं पहले जो आपको बता चुका हूँ, और शायद इसका लॉन्चिंग डेट 9 जुलाई को हो सकता है, और लीगेज तो निकल के यही आया है कि भाई 9 जुलाई को लॉन्च हो सकता है, इसका कुछ मतलब गारंटी वगैरह नहीं है, अभी तक अनाउंस वगैरह नहीं हुआ है, शायद हो सकता है। ठीक है, इस स्मार्टफोन के बारे में बताऊँ दोस्तों, अगर मेरे अपना ओपिनियंस मानो तो ये स्मार्टफोन भाई काफ़ी अच्छा है, अगर कंपेयर करें OnePlus Note C से भाई उससे काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन दोस्तों। स्मार्टफोन अगर बैटरी के कंपेयर करें, बैटरी तो सेम है, बट चार्जिंग सपोर्ट भाई काफ़ी इंप्रूव किया है उसमें दोस्तों, 30 मेगापिक्सल का इसमें 33 दे रहा है, 65 वाट्स का भी दे रहा है दोस्तों, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों स्मार्टफोन में था। अगर बात करें दोस्तों कैमरा की, कैमरा दोस्तों उसमें 64 मेगापिक्सल दोस्तों ट्रिपल रियर कैमरा, 8 और 2 सेम था, और इसमें दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल थोड़ा कम दे के रखा है, माना भाई 8 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल सेम है, और फ्रंट में दोस्तों उसमें 16 मेगापिक्सल देके रखा है, और इसमें दोस्तों फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का देके रखा है, तो उधर कट छाट के भाई ठीक ही है। और प्रोसेसर उस स्मार्टफोन था दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750 था, उसमें इंप्रूव नहीं किया भाई, प्रोसेसर में बहुत मतलब बहुत ही कम देके रखा था। इसमें दोस्तों बहुत ही अच्छा Dimensity 1200 SoC प्रोसेसर भाई बहुत बढ़िया है, ये तो अंडर 20K में
मुझे नहीं लगता भाई बहुत रियर में आ सकता है, कभी फ्यूचर में आ भी सकता है, ठीक है। तो फिलहाल तो ये स्मार्टफोन में आ रहा है दोस्तों, इसके बारे में आपको कह रहा है। अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, 12 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज में दोस्तों उस स्मार्टफोन 28,000 में लॉन्च हुआ था। उसका चीप प्राइस था दोस्तों 23,000 था, जो दोस्तों 6 GB 128 GB स्टोरेज था। और इस स्मार्टफोन में 12 GB 256 GB इंटरनल स्टोरेज में दोस्तों 30,000 में लॉन्च हो सकता है। 2000 का दोस्तों डिफरेंट है। अगर डिफरेंट की बात करें भाई, काफी अच्छा स्पेस देके स्मार्टफोन में रखा। और एक चीज दोस्तों मुझे ठीक नहीं लगा कि इस स्मार्टफोन भाई OnePlus Nord C और इस स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 दोनों स्मार्टफोन OnePlus 9 का कॉपी किया है, मतलब OnePlus 9 का डिजाइनिंग कॉपी किया है, मतलब सेम डिजाइनिंग उठा के लगा दिया। तो ये थोड़ा ठीक नहीं लिया। न्यू अगर डिजाइनिंग वगैरह करता तो ठीक रहता। अगर डिजाइनिंग की बात करें दोस्तों, OnePlus Nord C और OnePlus Nord 2 दोस्तों इसको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए था। OnePlus 9 का मतलब डिजाइनिंग उठा के इसमें लगा दिया, नहीं तो और सब कुछ दोस्तों बढ़िया है। लुक वगैरह प्रीमियम लुक आपको देता है भाई, काफी अच्छा। दोस्तों आपका राय क्या है दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए OnePlus Nord 2 के बारे में। अगर आप सोच रहे भाई कौन दोनों स्मार्टफोन में कौन सा लेंगे, जरूर बताइए दोस्तों कमेंट सेक्शन में। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भाई प्यार भर भर के दो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इतना ही बोलूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।